नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजकल मैं अभी जो करंट मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो फायर अलार्म बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। फायर अलार्म है, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, इन पर काम चल रहा है आजकल। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ये चल रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट्स। तो मैंने सोचा कि शायद आपको भी कुछ बता दूँ इनके बारे में, जितना कुछ अगर मैं कुछ भी हेल्प कर पाया आपकी। अब मैं आपको बताऊँगा आज सेंसर के बारे में, फायर के स्मोक डिटेक्टर के सेंसर जो हैं, स्मोक डिटेक्टर सेंसर के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने कितने टाइप के ये होते हैं, कैसे काम करते हैं दोनों, वो उसमें मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बताऊँगा वो एक स्पेशल वो है कि ये स्मोक डिटेक्टर है। मैं बताऊँ आपने सुना होगा टू वायर फोर वायर स्मोक डिटेक्टर, ये क्या होते हैं, ये स्मोक को डिटेक्ट करते हैं। और अगर कहीं भी आग लगी है, कहीं भी उनको धुआं दिखाई दिया, तो उस धुएं को ये पहचान के एक अलार्म बजाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये हरे हरे लाइट एलईडी जो है ब्लिंक करती रहेगी, और जैसे ही इनको पता चलेगा कि आग लगी है तो उसमें जो है लाल एलईडी को अपनी जला देंगे, और ये जो कंट्रोल सर्किट है उसमें बता देंगे हाँ भाई यहाँ आग लगी है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है दो वायर का, एक होता है चार वायर का, होता वो एक ही है। इसमें क्या होता है, मेन जो सर्किट होता है ना, ये है, इसमें आप जब भी देखोगे आपको ऐसे चार पॉइंट्स मिलेंगे, दो छः पाँच तीन ऐसा लिखा हुआ रहता है इनके ऊपर, ये स्टैंडर्ड है, मैंने बहुतों में सेंसर्स में यही देखा है, तो ये लिखा रहता है। अब ये इनको ही कायदे में इनमें चार तार हैं, इसको ही हम चार तार के तरह यूज़ कर लेते हैं, इसको ही हम दो तार की तरह यूज़ कर लेते हैं। चार तार की तरह यूज़ करना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, चार तार हैं, दो उसके पावर के हैं सेंसर को पावर देने के लिए, और दो हैं उसके बताने के लिए कि भाई आग लगी नहीं लगी, क्या हुआ कैसे हुआ। आज जो हम फोकस करेंगे वो ये है कि जो अगर इसको दो तार का जो हमें सेंसर कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, समझते पहले हैं कि वो काम कैसे करता है। काम ऐसे करता है, इसको सिर्फ दो ही तार चाहिए होते हैं। ये क्या है, अपने खाने के लिए भी वहीं से लेता है, मतलब जो इसको चलना है ना सेंसर को, इसको जो पावर चाहिए ये वहीं से लेता है। और अगर कहीं पर आग लग जाए, जिस जोन में ये है उस जोन में धुआं इसको दिख जाए और ये आग लग जाए, तो ये सिग्नल भी इसी के थ्रू ही भेज देता है। बहुत इसका मतलब जादूगरी फंडा है, बहुत दिमाग लगा रखा है। दिमाग क्या लगा रखा है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये आपने स्विच मान लो, ये एक स्विच की तरह है, ये एक तार है, ये दो तार है, ये बीच में जो स्विच है ना, ये इसको ये स्विच ही मानो इसको एक तरीके से आप, और सबसे एंड में जो बिल्कुल एंड में जाके एक इसका रेजिस्टेंस के थ्रू दोनों जुड़ दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइन, ई ओ एल रेजिस्टेंस, एंड ऑफ लाइन, कि यहाँ लाइन बंद होगी, इसको क्लोज कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगे क्लोज कर दिया। नॉर्मल कंडीशन में जब आग नहीं लगी हुई है, बिल्कुल ठंडा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा खुश है, तो इसकी क्या होती है, करंट जो इसमें जाता है ना वो माइक्रो एम्पियर में जाता है, माइक्रो एम्पियर। शांत बैठा है ये, इसको पता है माइक्रो एम्पियर में करंट जा रहा है, कुछ नहीं फर्क, कंट्रोल सर्किट जो है वो ही इसको सप्लाई देता है, ये ध्यान रखनी है, जो कंट्रोल सर्किट है वो इसके करंट को मॉनिटर कर रहा है, वो इसको मॉनिटर कर रहा है, वो देख रहा है माइक्रो एम्पियर में करंट जा रहा है, कोई फर्क नहीं भाई, आराम से काम करने दो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। जैसे ही किसी जोन में मतलब आग लगती है, अगर भगवान अगर ऐसा कभी हो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं भी अगर आग लगती है, धुआं आता है, तो वो वाला जो स्विच है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पर कुछ हुआ तो ये शॉर्ट हो गया, इसके शॉर्ट होते ही अब आपको पता ही है शॉर्ट सर्किट में कितना करंट जाता है, लेकिन फिर भी हम प्रोडक्शन देके रखते हैं, इसमें करंट को लिमिट करके रखते हैं, तो ये जो कभी माइक्रो एम्पियर में हुआ करता था वो मिली एम्पियर में आ जाता है। जो करंट का वैल्यू कभी माइक्रो एम्पियर में होती थी नॉर्मल स्टेज में, अब वो मिली एम्पियर में हो जाती है, और मिली एम्पियर में होगी तो कंट्रोल सर्किट को पता चल जाएगा भैया मिली एम्पियर में हो गई, या आग लगी, कहीं ना कहीं मोटर बजा दो या सिग्नल दे दो, डिस्प्ले कर दो, सायरन बजा दो, जो उसने फिर करवाना है वो फिर हमारे माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग होती है, कैसे करना है वो कर देगा, किसी भी जोन में आग लगेगी। अभी इसका खास बात क्या है कि जोन तो बहुत बड़ा है, ये तो आग लगी, इसमें होता है लैचिंग फीचर, लैच क्या होता है कि पकड़ लिया, छोड़ेगा नहीं, अभी जब तक इसको ठंडा नहीं करोगे छोड़ेगा नहीं, पकड़ लिया इसने। अब क्या है कि ये
शॉर्ट बनाए रखेगा। अब क्या है, शॉर्ट के साथ साथ में ये लाल एलईडी भी जलाएगा, लाल वाली एलईडी भी जलाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि वैसे तो पता चल जाएगा भैया कहाँ आग लग रही है, लेकिन ये फिर क्या है कि लाल एलईडी भी जलाएगा, लाल एलईडी जला के हमें पता चल जाएगा कि इसमें एलईडी जली है, ये वाला सेंसर है मेरा ने वो दिया है, सेंस किया है। अब मैं क्या करूँगा, अब फिर लैचिंग फंक्शन है, इसको फिर पावर एक बार काटनी पड़ेगी, दोबारा लगानी पड़ेगी, ये लैच हो गया। अब ये जब तक इसको दोबारा कनेक्शन हटा के ना दोबारा लगाओगे नहीं तब तक ये मानेगा नहीं, तो इसको हटा के फिर दोबारा लगाना होता है। ये होता है दो वायर के जो सेंसर होते हैं, स्मोक सेंसर, ये सिर्फ सेंसर होते हैं, इनमें पीजो नहीं होता आवाज़ देने के लिए, कुछ नहीं होता, सिर्फ सेंस करके भेज देंगे आगे क्या भाई ऐसा हो गया, ये हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो वायर के जो सेंसर है इन्हें कनेक्ट कैसे करें और ये काम कैसे करते हैं। कहीं कुछ छूट गया हो जरूर बताना, और कोई डाउट हो आपके मन में वो भी बताना। धन्यवाद।